आज हम फोटोबायोलॉजी में यह जानेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर में हम लोग हड्डी की अध्ययन करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरे हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगर 6 को एने का बीच में ला दिया जाए और 0 को बाहर, तो वो खरगोश की हड्डियों की संख्या को बताता है। 206 ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। मैं यह प्रूफ भी करूँगा। जैसे स्कल मानी खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं, 4 शोल्डर कंधे में 4 होते हैं, जबकि दोनों हैंड में 30-30 होते हैं, 60 होते हैं। और स्टर्नम जो पसली के हड्डी को जोड़ता है उसे स्टर्नम कहा जाता है, वो 1 होते हैं, जबकि रिब्स मानी पसली 24 होते हैं। वर्टीब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ के हड्डी 26 होते हैं। पेल्विक बोन्स 2 होते हैं। और हाइंड लिम्ब माने होता है पश्चपाद, माने पैर को बोला जाता है, जिसमें 30+30 60 होते हैं। अब आप जोड़ भी सकते हैं इसे कि ह्यूमन के अंदर 206 हड्डी होते हैं, जबकि बच्चे में यह 300 के लगभग होते हैं। और ह्यूमन के अंदर मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ह्यूमन के सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर, जो जांघ में उपस्थित रहता है, और सबसे छोटा हड्डी होता है कान में, स्टेप्स, जिसे स्टेप्स कहा जाता है। अब खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, यह भी हम प्रूव करेंगे। जैसे ये बाल वाला जितना क्षेत्र होता है उसे क्रेनियम बोला जाता है, क्रेनियम बॉक्स भी कहते हैं, जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, और इसमें 8 हड्डी उपस्थित होते हैं। आपके बाल को छोड़कर आगे फेस, जो चेहरा है, फेस के सामने 14 हड्डी होते हैं। आपके दोनों कान में 6 हड्डी होते हैं, 3 एक बायां और 3 दायां। एक हायोड बोन होते हैं, जो जीभ के पीछे और नीचे होते हैं, ये हायोड बोन। तो यहाँ 8, 6, 14, 8, 6, 14, 28, 1, 29, 29 ये प्रूफ हो गया। आपके खोपड़ी में 29 हड्डी हैं। आपके रिब्स यानी पसली में 24 हड्डी होते हैं। एक स्टर्नम होते हैं, जो 15 सेंटीमीटर का होते हैं। अब ये है रीड बोन, रीड के हड्डी, जिसे बोला जाता है वर्टीब्रल कॉलम। इसलिए कहा जाता है कि यह एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े नहीं होते हैं, इसे मांसपेशियां जोड़ते हैं एक दूसरे से, और ये लचीले होते हैं, वर्टिकल तिरछी, और ये 4 भागों में बटे होते हैं। पहला है सर्विकल वर्टेब्रा, सर्विकल वर्टेब्रा जिसमें जो गर्दन में उपस्थित होते हैं उसमें 7 हड्डी होते हैं। दूसरा है थोरेसिक वर्टेब्रा, जिसमें 12 हड्डी जो छाती वाले भाग में आते हैं पीछे से, और जब लुम्बर और वर्टेब्रा जिसमें पेट आते हैं आपका, जिसमें 5 हड्डी होते हैं। और सेक्रम वर्टेब्रल जो 1 होते हैं, यह बच्चा में 5 होते हैं। और कोक्सीजियल वर्टेब्रा जो 1 होते हैं, यह बच्चा में 4 होते हैं। 9 हड्डी बच्चा में एक्स्ट्रा होते हैं, जो उसकी एज के अनुसार यह जुट कर 1-1 हड्डी हो जाते हैं, यानी कि पूरे टोटल
रीढ़ के हड्डी में 26 हड्डी होते हैं। अब जानेंगे हाथ, हैंड। हैंड फोर लिम्फ माने अग्रपाद बोला जाता है इसे। इसमें 30 हड्डी होते एक हाथ में, 30 हड्डी होते हैं। और शोल्डर में 4 होते हैं, लेकिन एक हाथ में तो 2 ही होंगे, और दोनों हाथ में ना 4 होंगे जुड़ा हुआ। तो 2 तो एगो क्लिविकल है और एगो स्केपुला है शोल्डर कंधा का, और उसी केविकल और स्केपुला से जुड़ा होता है ह्यूमरस, जो हाथ का सबसे लंबा हड्डी है। और उसके नीचे होते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस अंगूठा के तरफ होते हैं, जबकि अल्ना लिटिल फिंगर यानी कानी उंगली की तरफ होते हैं। उसके बाद आते हैं आपको कार्पेल्स, उसके बाद मेटा कार्पेल्स। कार्पेल्स में हड्डियों की संख्या 8 होता है। मेटा कार्पेल में हड्डियों की संख्या 5 होता है। अल्ना 1 होता है और रेडियस भी 1 होता है। ह्यूमरस भी 1 होते हैं और केविकल भी 2 होते हैं और स्केपुला भी 2 होते हैं। और फिंगर 14। आप लोग कहेंगे फिंगर में तो 15 होना चाहिए, लेकिन अंगूठा में 1 हड्डी कम होता है, जिस कारण यह 14 होता है, 5 तिहाई 15 नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे हाइंड लिम्ब यानी पैर। पैर जो पेल्विक से जुड़े होते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। उससे नीचे होते हैं फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, उसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद आते हैं पटेला, जो फीमर और फिबियो के बीच में होते हैं, जो पैर की आगे की तरफ नहीं आने देते हैं, पटेला। उसके बाद टिबियो 1 होते हैं, फिबुला 1 होते हैं। उसके बाद टॉर्सेल, इसमें टॉर्सेल की संख्या 1 कम होती है हाथ से, जिसमें पटेला 1 जुड़ गया है यहाँ पे, लेकिन हाथ में यहाँ नहीं होते हड्डी। टॉर्सेल की संख्या 7 होती है। मेटा टॉर्सेल की संख्या सेम 5 ही होते हैं। फेलिंगस की संख्या 14 होते हैं। टोटल 30 अब 30 इन एक पैर में है, तो 30 उस पैर में, दोनों पैर में 60 होंगे। पेल्विक 2 होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जैसे गरीब को भी आगे YouTube पर मौका देने की कृपया करें। थैंक यू।